सिटी और ट्रैफिक पुलिस में कई अफसर अधिकारी और अन्य छोटे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अपने कार्य के प्रति बेहद निष्ठावान, ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का किसी से कोई समझौता ना करने को लेकर समय समय पर याद किया जाता है। ऐसे ही ट्रैफिक में अपनी सेवाएं दे रहे सूबेदार अमित कुमार यादव को भी कार्य के प्रति समर्पित और अपनी ड्यूटी के दौरान मिले निर्देशों का पालन करने के लिए बखूबी जाना और पहचाना जाता है। इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर सूबेदार अमित कुमार यादव गुरुवार ड्यूटी पर थे। गैर जिम्मेदाराना ढंग से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को समझाइश के साथ साथ चालानी कार्यवाही करते दिखे और साथ ही की जा रही इस कार्यवाही को लेकर अपने आला अधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन करना उन्होंने बताया। शहर के बेतरतीब वाहन चालकों को सुधार की प्रक्रिया किए जाने और ट्रैफिक में इंदौर को नंबर वन बनाने की कवायद आला अधिकारियों के निर्देश के बाद लगातार जारी है। इस कड़ी में इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर सूबेदार अमित कुमार यादव की टीम ने अल सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा था। अपनी ड्यूटी समय तक तकरीबन 30 से 32 नो पार्किंग, गलत नंबर प्लेट और रेड लाइट क्रॉस करने वालों पर चालानी कार्यवाही करते हुए इस मुहिम को सतत जारी रखने की बात कही है सूबेदार अमित कुमार यादव ने। उन्होंने अपनी टीम के साथ यहां चालानी कार्यवाही करते हुए राजस्व इकट्ठा किया और कैमरे पर बात करते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि दूध बेचने वालों के खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही इंदौर में चलने वाले ऑटो रिक्शा को लेकर भी कुछ अजीबोगरीब नंबर प्लेट चेकिंग के दौरान मिली और नंबर प्लेट को छुपाने के पीछे का लक्ष्य RLVD के तहत चलना बताना और वाहन चालक की मानसिकता सूबेदार ने बताई है। पुलिस आयुक्त तो यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर श्री महेश चंद जैन साहब के निर्देश पर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि डेली पूरा यातायात प्रबंधन आम के जीवन को संकट में डालने वाले हर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बल्कि प्रभावी कार्रवाई कर रहा है और जिसमें चाहे वो रॉन्ग साइड से वाहन चालन करना हो या संकेत का उल्लंघन करना हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जी, ये देखा गया है कि कुछ दूध वाले हैं जो हमेशा संकेत उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ हम अभी मुहिम चला रहे हैं और आज मैंने 4 से 5 दूध वालों के खिलाफ चालान बनाया है। वहीं अगर मैं ऑटो जैसे वाहन चालकों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग साइड से वाहन चालन करते हैं, वनवे में घुस जाते हैं। उसके अलावा ये देखा गया कि पीछे वो अपने नंबर पर किसी भी प्रकार का नींबू मिर्ची लगा लेते हैं या मोर मोड़ लिए। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक ऑटो ने कुछ वेल्डिंग करा रखा है और अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं अपने नंबरों को छुपाने के लिए, जिससे उनके RLVD चालान जनरेट ना हो। इस तरह के वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे परिवहन वाहन जैसे बस वगैरह हमने देखा है कि यातायात बाधित करते हैं, 20 सड़क के ऊपर सवारी उतारते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन पे मैंने 7 से 8 ऑटो जो यातायात को बाधित कर रहे हैं उनके खिलाफ रॉन्ग पार्किंग की कार्रवाई की है। वहीं अभी मधुमिलन पे 20 सड़क पर सवारी उतारने चढ़ाने के एवज में 3 बसों पर भी मैं कार्रवाई सुबह से अभी तक लगभग 30 से 32 वाहनों पे मैं कार्रवाई कर चुका हूँ।